So guys, in this video you will see how to make sand stone in Minecraft. और मक्खियों ने हमला कर दिया है. सैंड स्टोन बनाने के लिए सबसे पहले हमें सैंड लानी होगी और सैंड आपको सी एरिया के पास मिलती है, तो फटाफट से जाते हैं और सी एरिया के पास जाके सैंड को कलेक्ट करके लेकर आते हैं. देन फाइनली गाइस मैं सी एरिया के पास पहुंच गई हूँ. वैसे मैं सैंड पीछे से भी कलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कलेक्ट करूंगी क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज्यादा आएगा नहीं, तो मैं फ्रंट वाली कलेक्ट कर लूंगी. फटाफट से हम सैंड को कलेक्ट कर लेते हैं. ऑल राइट, तो मैंने 17 सैंड कलेक्ट कर लिए. और आप सैंड को शॉवल से कलेक्ट करना, क्योंकि शॉवल से जो है वो सैंड इजीली कलेक्ट हो जाती है. सीधा क्राफ्टिंग टेबल पे जाएंगे और जब हम 4 ब्लॉक इस तरीके से रखते हैं तो ये हमारे सैंड स्टोन बन जाते हैं. और 4 सैंड से आप एक स्टोन जो है वो सैंड स्टोन बनाते हो. तो यहाँ पर मैंने एक और रेडी कर दिया है. अगर गाइस आप ये देखो, नॉर्मली जब आप सैंड को ऐसे लगाते हो सैंड को, और आप जब सैंड को तोड़ते हो तो ये सारी नीचे गिर जाती है, ठीक है. लेकिन अब आप सैंड ब्लॉक को इस तरीके से लगाते हो, इस तरीके से, तो ये इससे जो है वो काफी डिफिकल्ट टूटेगी, लेकिन यहां से ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा. ये एकदम ब्लॉक बन जाता है, जैसे कि ब्लॉक नॉर्मली होता है, जैसे डर्ट ब्लॉक होता है. आप डर्ट को भी नॉर्मल तोड़ते हो इस तरीके से, आप डर्ट को नीचे वाली डर्ट को तोड़ोगे तो डर्ट जो है वो नीचे नहीं गिरेगी. तो सेम ऐसा ही होता है कि सैंड स्टोन को जब आप तोड़ते हो तो वो नीचे नहीं गिरता, लेकिन जब आप सैंड को नीचे वाली सैंड को तोड़ लोगे तो वो जो ऊपर वाला है, होता है ब्लॉक, ऑटोमेटिकली ग्रेवल की तरह नीचे गिर जाता है, जैसे कि ग्रेवल होती है इस तरीके से. और उसे भी हम शॉवल से सही तरीके से कलेक्ट कर पाते हैं और सैंड को भी हम सही तरीके से कलेक्ट कर पाते हैं. तो गाइस ये बिल्ड करने में ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. आप इससे आराम से अपना हर घर बना सकते हो. घर में आराम से कोई भी पार्टीशन बनाना चाहते हो, कोई भी सीन बनाना चाहते हो, तो इससे आप इजीली बना सकते हो. काफ़ी अच्छा लगता है, बट सैंड से जो है वो इतना ब्यूटीफुल भी नहीं लगता, और सैंड जो है वो लाइक गिर जाती है नीचे से. तो गाइस सिंपली जब आप इस स्टोन को शॉवल से कलेक्ट करोगे, और इसको तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन जब आप इसको शॉवल से कलेक्ट करोगे तो ये आपके पास कलेक्ट नहीं होने वाला है. सैंड स्टोन को आप पिकेक्स से ही कलेक्ट कर सकते हो. आप देखो ये पिकेक्स से आप कलेक्ट कर पाओगे और फास्टली कलेक्ट कर पाओगे, लेकिन आप सैंड को इजीली कलेक्ट कर पाओगे शॉवल से. तो ये दोनों में यही डिफरेंस होता है कि आप इसको जो है वो पिकेक्स से कलेक्ट करते हो और सैंड को नॉर्मली आप शॉवल से कलेक्ट करते हो, और जो डर्ट होती है वो भी शॉवल से कलेक्ट हो जाती है. देन गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आई हो. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय.